गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज हो चुकी है 8 दिसंबर 2018। सबसे बड़ी पहली खबर निकल कर आ रही है, 2019 से गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर लगाकर देगी कंपनियां, इससे वाहन चोरी की घटनाओं पर लगेगी लगाम। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2019 से पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का फायदा यह होगा कि आपकी गाड़ी चोरी होने से बचाई जा सकेगी। दूसरी बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, सरकारी खर्च पर होगा दुर्लभ बीमारियों से पीड़ितों का इलाज। जी हां दोस्तों, इसके लिए सरकार एक नई पॉलिसी बना रही है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय की कमेटी तय करेगी कि किस मरीज को किस प्रकार का इलाज चाहिए। और भारत में लगभग 450 से ज्यादा जो दुर्लभ बीमारियां है जिसके लिए जो है सरकार देगी, तो यह एक काफी अच्छी खुशखबरी साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जो बीमारी से ग्रस्त है और जिनके पास पैसे नहीं है। और तीसरी बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, बैंकिंग से यदि आपका बैंक में खाता है तो आप कहीं से भी खुलवा सकते हैं बैंक अकाउंट, स्थायी पते के बहाने भी बैंक नहीं कर सकता आपको इनकार। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बैंक से जुड़े हुए 9 अधिकार है आपके जो आपको जान लेने चाहिए। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ वो 9 अधिकारों के बारे में। पहला जो आपका अधिकार है कि आप किसी भी जगह से बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। आपके पास स्थायी पते के रूप में यदि आपके पास वोटिंग आईडी प्रूफ या कोई भी ऐसा प्रूफ, सरकारी प्रूफ है, तो आप किसी भी जगह से आप खाता खुलवा सकते हैं, इसके लिए बैंक आपको मना नहीं कर सकता। दूसरा आपका अधिकार है कि यदि आपके खाते में से पैसे गायब हो जाते हैं, कोई फ्रॉड हो जाता है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो बैंक आपके पैसों की भरपाई करेगा। इसके अलावा तीसरा जो अधिकार है कि यदि कोई बैंक के नियम में बदलाव होता है तो बैंक को 30 दिनों के भीतर ग्राहक को इसकी जानकारी देनी होगी। चौथा जो ग्राहक का अधिकार है, यदि चेक कलेक्शन में बैंक की तरफ से कोई देरी हो जाती है तो ग्राहक बैंक के पास से मुआवजा मांग सकता है, ये ग्राहक का अधिकार है। पांचवा अधिकार है कि यदि ग्राहक ने बैंक की तरफ से लोन लिया है और उसके बदले में सिक्योरिटी दी है तो उसे पूरी देनदारी चुकाए जाने के बाद बैंक के लिए ग्राहक को उसकी सिक्योरिटी लौटाना अनिवार्य है, इसकी समय सीमा 15 दिन की। छठा अधिकार है, अगर आप किसी भी वजह से लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पाते तो सेटलमेंट का विकल्प भी होता है, लेकिन इस बारे में आपको ड्यू डेट से पहले ही बैंक को जानकारी देनी होती है। सातवा अधिकार है, यदि किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में उसका कोई नॉमिनी नहीं है तो बैंक उसके पैसे कानूनी रूप से जो वारिस होता है उसे लौटा देता है। आठवा अधिकार है, अगर आपको कहीं से फटा या पुराना नोट मिल गया है तो आप बैंक की किसी भी शाखा में जाकर नोटों में बदलवा सकते हैं। और नौवा ग्राहक का अधिकार है कि ये बैंक की किसी भी सेवा से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो बैंक अधिकारी या टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत भी कर सकते हैं और आपको 30 दिन के अंदर उसका समाधान भी मिल जाता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी और इसी तरह की काम की खबरों अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।